फजाइया में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। नौजवानों में जबरदस्त जोश खरोश। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1 लाख से ज्यादा भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फोन पर दरियाफ्त की आरजेडी के सरकर्दा लीडर लालू प्रसाद यादव की हालत। कंधे की हड्डी टूटने के बाद लालू यादव को पटना के अस्पताल में किया गया है दाखिल। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी तशहीरी मुहिम के दौरान शुमाल मशरक के दौरे पर। वह आज बीजेपी और एनडीए के एमएलएस के साथ मीटिंग में अपने लिए हिमायत हासिल करने के लिए करेंगी कोशिश। गुवाहाटी के बाद उनका अरुणाचल प्रदेश जाने का है प्रोग्राम। महाराष्ट्र के कोंकण और कर्नाटक के मगरबी साहिली हिस्सों में जबरदस्त बारिश। महकमा मौसमियात का अगले 3 दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। आसाम में हालात में बेहतरी। और बैन अलावा खबरों में, बरतानिया के बोरिस जॉनसन सरकार को झटका। वजीर सेहत और वजीर खजाना ने दिया इस्तीफा। बोरिस जॉनसन पर सियासी नाअहली का लगाया इल्जाम। अपोजिशन ने किया इंतखाबात का मुतालबा। अमेरिका में मुसलसल दूसरे दिन भी फायरिंग का वाकया पेश आया। इंडियाना में हुई फायरिंग में 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। खेल में विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। आज राफेल नडाल और ख्वातीन जुमरे में सिमोना हालिप के क्वार्टर फाइनल मैच। आज मिक्स डबल्स में भारत की सानिया मिर्जा और क्रोएशिया की मेटपेविच की जोड़ी आज खेलेगी अपना सेमीफाइनल मुकाबला। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। फजाइया में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। इस दौरान नौजवानों में ज़बरदस्त जोश और खरोश नज़र आया। कल तक फजाइया को 3,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए तकरीबन 7,49,899 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मुंतखबा अग्निवीरों की ट्रेनिंग आइंदा 30 दिसंबर को शुरू होगी। ख्याल रहे कि 14 जून को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया था, जिसके तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के नौजवानों को फौज में 4 साल की मुद्दत के लिए शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% अग्निवीरों को बाकायदा सर्विस के लिए शामिल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की मिजाज पुरसी की। लालू यादव इतवार की शाम पटना में वाकई राबड़ी हाउस में जीने से उतरते वक्त गिर गए थे, जिसके बाद उनकी कमर और कंधे में चोट आई थी। लालू यादव के दाएं कंधे में मामूली फ्रैक्चर बताया गया था, जिसके बाद इतवार की रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उन्हें पीर की सुबह अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ उनकी हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई जा रही है। कौमी जमहूरी इतिहाद यानी एनडीए के जरिए सदारती ओहदे की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गुवाहाटी के दौरे पर हैं। द्रौपदी मुर्मू अपनी तशहीरी मुहिम के दौरान कल गुवाहाटी पहुंची, जहां हवाई अड्डे पर वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा ने उनका खैर मकदम किया। उससे कबल कल एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने त्रिपुरा का दौरा किया। अपने 2 घंटे के सफर के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला के एक होटल में वज़रा, मेंबरान असेंबली और बीजेपी और उसके इत्तेहादी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लीडरों से मुलाकात की और सदारती इंतखाबात में अपनी उम्मीदवारी के लिए उनकी हिमायत तलब की। त्रिपुरा के वजीर आला मानक साहा, नायब वजीर आला, मरकजी वजीर प्रतिमा भूमक, दीगर लीडरों, वज़रा और मेंबरान असेंबली ने हवाई अड्डे पर सदारती उम्मीदवार का खैर मकदम किया और बाद में तमाम रहनुमा मीटिंग में शामिल हुए। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। तहम बुरी तरह से मुतासरा वादी ब्राक, नदी खचार और करीमगंज अजला में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं करीमगंज में कशियार नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्रा और वादी ब्राक में कई दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा की कुछ बड़ी मावन नदियाँ शिवसागर में, देसांग और नगाँव में कपली भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दरिया के किनारों के साथ कई अजला में कटाव की भी इत्तला मिली है, जिसमें मकानात और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इलाकाई मौसमियाती मरकज़ गुवाहाटी ने रियासत में अगले चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है।
आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 184 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 बच्चों समेत 4 अफराद की मौत हो गई है। इसके अलावा 20 अजला में 11,16,000 से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। 29,781 हेक्टर ज़रिया राज़ी ताहाल पानी में डूबी हुई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 1,024 गाँव सैलाब से मुतासिर हुए हैं। भारतीय फ़ौज, NDRF, SDRF और मकामी पुलिस जंगी सतह पर राहत और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। सबसे ज़्यादा मुतासरा सिलचर और इसके आसपास के इलाकों में रुके हुए पानी को निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में कल हुई बारिश ने मामूल की ज़िंदगी को मुतासर किया है। रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने BMC के कुदरती आफात से मुतालिक इंतज़ामी मरकज का दौरा करके बारिश और हालात का जायज़ा लिया। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई समेत रियासत के कई हिस्सों में बारिश जारी है। बारिश के सबब मुंबई में कई मकामात पर ट्रैफिक सुस्त रहा और जाम की सूरत हाल बनी रही। वस्ती और मगरबी रेलवे की खिदमात भी मुतासर रहीं। बारिश का यह सिलसिला आइंदा 4 दिन तक जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। जनूबी कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट और शुमाली कोंकण, शुमाल वस्ती और जनूब वस्ती, महाराष्ट्र, नीज मराठवाड़ा इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने जनूबी भारत में कर्नाटक के कई इलाकों में 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर जनूबी कर्नाटक के अजला में स्कूलों को बंद कर दिया गया है और माहीगीरों को खबरदार किया है कि वह बहरा अरब में ना जाएँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अग्रदूत ग्रुप के अखबार की गोल्डन जुबली तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर आसाम के वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अग्रदूत की शुरुआत असमिया देव हफ्तावार अखबार की शक्ल में हुई थी। इसकी शुरुआत आसाम के सीनियर सहाफ़ी कनकसेन डेका ने की थी। सन 1995 में डेली अग्रदूत एक अखबार के तौर पर शुरू किया गया था और देखते देखते यह आसाम का एक मोतबर और बासर अखबार बन गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने झारखंड की कानकनी महकमे की साबिक सेक्रेटरी पूजा सिंगल और दीगर के खिलाफ माली खुर्दबुर्द के मामले में फर्द जुर्म दाखिल की है। डायरेक्टरेट ने माली खुर्दबुर्द की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत खसूसी अदालत में कुल 5,000 सफहात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म दाखिल की। जांच एजेंसी ने फर्द जुर्म में पूजा सिंगल, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार और दीगर का नाम शामिल किया है। ईडी ने अदालत से फर्द जुर्म का नोटिस लेने की अपील की और मामले की समाअत के लिए हुक्म जारी करने को कहा। साल 2020 के इंतजामी अफसर पूजा सिंगल और दीगर को मनरेगा फंड में मुबैना धोखाधही और मुशतबा माली लेन देन के मामले में मई में गिरफ्तार किया गया था। झारखंड हुकूमत ने सिंगल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया था। वह सनत की सेक्रेटरी के अहदे पर तैनात थीं और उनके पास रियासत के कानकनी और अर्जियाती साइंस महकमे के सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज भी था। इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सुमन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों फिलहाल अदालती तहवील में हैं। अजमेर पुलिस ने अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को कल रात BJP की मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयान देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इस हवाले से सलमान चिश्ती से पूछगछ की जा रही है। मुलजिम सलमान ने इस शख्स को अपना घर देने की बात की थी जो नुपुर शर्मा को कत्ल करेगा और नशे की हालत में मुतनाज़ा तबसरा किया था। इस सिलसिले में थाना अजमेर दरगाह ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 टीमें तश्कील देकर मुलजिम सलमान चिश्ती के घर समेत मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मुलजिम सलमान चिश्ती को खादिम मोहल्ले में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजमेर विकास संगवान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप सारस्वत, स्टेशन इंचार्ज दलबीर सिंह के साथ दीगर पुलिस के अफसरान और खसूसी टीम के अहलकार भी मौजूद थे। उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुँचा। जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनहेबिटेड स्टेट में थे, डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसमें समझ आएगा। के हिस्ट्री शूटर रहे हैं, इनके खिलाफ 13 मुकदमे पुलिस दर्ज हैं जिनमें एक में जैद कलम है और एक में सजा भी इनको। जानकारी के हिसाब से ऐसा कुछ तथ्य सामने नहीं आया है। इन्होंने खुद ही अपने जो स्टिक होती है उसके माध्यम से वीडियो जरूरी बनाते हैं इस तरह के और उसी के थ्रू इन्होंने बनाया है। किसी और अभी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता।
हिग्स बोसोन की दरियाफ्त के 10 साल बाद, जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, मंगल से एक बार फिर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर शुरू हो गया है। यह अजीम मिशन प्रोटॉन को तोड़ने का काम करेगी, जिससे गैर मुतवक्के तवानाई निकलेगी। साइंसदानों को उम्मीद है कि यह तजुर्बा हमें कायनात के काम करने के इसरार के बारे में मजीद मालूमात फराहम करेगा। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर पार्टिकल कोलाइडर ने तकरीबन 3 साल तक अपग्रेड होने के बाद अप्रैल में इस अजीम तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। इस अजीम तसादुम के नतायज को वहाँ मौजूद हज़ारों साइंसदान रिकॉर्ड करेंगे और इसका तज्जिया करेंगे। ये डेटा मुस्तकबिल में तारीक मादे, तारीक तवानाई और कायनात के दीगर बुनियादी राजों की तहकीकात के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पहले भारत चीन के खिलौनों पर मुनहसर था, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में जदीद तरीन खिलौने बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मेक इन इंडिया की खूबसूरत झलक पेश की गई दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां 5 जुलाई तक खिलौनों का बैनुल अक्वामी मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले में हज़ारों स्टॉल लगाए गए। क्या थी इस मेले की खसूसियत, ये जानने के लिए कॉमर्स की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल से खसूसी बात की हमारे नामा निगार राजेश राज ने। अब चाइनीज खिलौनों को बाय बाय करने का वक्त आ चला है। शायद यही वजह है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल के तहत हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे खिलौने बन रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और प्रगति मैदान में 2 से 5 जुलाई तक एक इंटरनेशनल प्रदर्शनी लगाई गई। और ये प्रदर्शनी क्या थी, कैसे यहाँ पर लगी और इसका क्या फलाफल निकला, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिल अग्रवाल हैं जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं DIPT के, उनसे हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं। अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे, अब लगता है कि चाइनीज को बाय बाय? पिछले 2 साल में जो टॉय इंडस्ट्री हमारे देश की है, वो एकदम से उसमें नई जान आ गई है, वो दिखाई दे रहा है, वो इस टॉय फेयर में दिखाई दे रहा है। अब जो ये जो फेयर आज आप देख रहे हैं, ये टॉय इंडस्ट्री ने अपने आप लगाई है। इसमें भारत सरकार की तरफ से हमने कोई वित्तीय सहायता इनको नहीं दी। इनका ये कहना है कि पिछले जब 2019 में इस तरह की टॉय फेयर थी तो यहाँ 116 स्टॉल्स थे और उसमें से 90% स्टॉल्स इम्पोर्टेड खिलौने बेच रहे थे। आज ये स्थिति है, यहाँ 96 स्टॉल्स हैं और हर एक स्टॉल में आप जितने टॉयज यहाँ देख रहे हैं वो टोटली मेड इन इंडिया टॉयज हैं। ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी इस टॉय इंडस्ट्री की है। ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वोकल फॉर लोकल या मेक इन इंडिया, वो अब साकार होने की दिशा में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि हमारी इंडस्ट्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का वर्णन किया है और उन्होंने मेहनत करके अपने रिजल्ट से बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयस जो आज यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगे हैं। अगर आप डेटा देखें तो पिछले 2 साल में टॉयज का इम्पोर्ट 10% रह गया है, मतलब 90% कम हो गया हमारा इम्पोर्ट। और अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट पिछले 2 साल में 2 गुना हो गया है टॉयज का एक्सपोर्ट। और ये सारा हमारे अपने जो टॉयज के इंडस्ट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हीं लोगों का किया हुआ है। एक जमाना था जब चाइनीज खिलौनों पर हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता थी, लेकिन आज मेड इन इंडिया खिलौनों ने उसको रिप्लेस करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसमें भारत सरकार अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। नाजरीन, ज़िलहज्जा की आज 8वीं तारीख है। आज से सऊदी अरब में हज के मुकद्दस फरीजे की अदायगी शुरू हो गई है। इसके साथ ही फजा तलबिया की फलकबोस आवाज से पुरकैफ हो गई है। आज सारे आज़मीन हज जवाल से पहले तक मिना पहुंचेंगे। इसके बाद आज वहां जोहर, असर, मगरिब और इशा और कल फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब से जवाल तक अरफात पहुंचने की कोशिश करेंगे। वकूफ़ अरफा हज का रुकन आज़म है, जिसके बगैर हज नहीं होता। कल वहां मस्जिद नबरा में खुतबा हज दिया जाएगा और इसके बाद तमाम आज़मीन अरफात में किरियावजारी में मसरूफ़ हो जाएंगे और सूरज गुरूब होने से पहले तक इसमें मशगूल रहेंगे। ये तमाम आज़मीन अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। हदीस में है कि अल्लाह इस दिन जितने बंदों के गुनाह माफ़ करता है उतना कभी नहीं करता। आज़मीन किसी भी तरह अपने रब को मनाने की कोशिश करेंगे। और बरतानिया के वज़ीर ख़जाना ऋषि सोनिक और वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने के बाद दोनों वज़रा ने कहा कि अब उन्हें बोरिस जॉनसन पर भरोसा नहीं रहा। दोनों वज़रा के इस्तीफ़े के बाद बोरिस जॉनसन हुकूमत पर ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस्तीफ़े के बाद वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने कहा कि बोरिस जॉनसन हुकूमत में
एक के बाद एक घपलों के बाद बोरिस जॉनसन से उनका एतमाद उठ गया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़ानामे में कहा कि अब ये वाजह है कि बोरिस जॉनसन की क़ियादत में हालात नहीं बदलेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सोनक ने अपने इस्तीफ़ानामे में कहा कि वो सरकार से अलग होकर गमगीन हैं, लेकिन वो इन हालात में अपने ओहदे पर नहीं रह सकते। वाज़ह रहे कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने ऊपर बढ़ते दबाव के दरमियान कल ये कबूल किया था कि पार्लियामेंट के एक दागदार मेंबर की सरकार के अहम ओहदे पर तकर्री गलत थी। बोरिस जॉनसन के माफ़ी मांगने के कुछ देर बाद ही सोनक ने इस्तीफ़ा दे दिया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्हें उसका बहुत अफसोस है कि मुअत्तल रुकन पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बदउनवानी की बात मालूम होने के बावजूद उन्हें डिप्टी चीफ व्हिप के सरकारी ओहदे पर मुकर्रर किया गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर ख़ज़ाना ऋषि सोनक के इस्तीफ़े के बाद नदीम ज़हावी को वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया है। ज़हावी पहले तालीम के महकमे के सेक्रेटरी थे, अब मैचल डोनिलन को तालीम के महकमे का सेक्रेटरी बनाया गया है। दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बर्कली को साजिद जावेद की जगह अपना अगला वज़ीर सेहत बनाया है। हुकूमत में तवील अरसे तक बने रहने का इशारा देते हुए बोरिस जॉनसन ने बर्कली को अपना नया वज़ीर सेहत मुकर्रर किया है। रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगो ने कल कहा कि यूक्रेन में रूस के खसूसी फौजी ऑपरेशन के लिए जबरी तौर पर फौज में शामिल अफराद को नहीं भेजा जा रहा है, जबकि रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन ने पहले कहा था कि ऐसे लोगों को यूक्रेन में तैनात नहीं किया जाएगा। वजारत दिफा ने मार्च में ऐसे फौजियों को तनाज़े वाले इलाकों में भेजने पर इत्तेफाक किया था। रूस और यूक्रेन में जारी तनाज़े के दरमियान रूस की पार्लियामेंट ने दो बिलों को मंजूरी दे दी। इसके ज़रिए हुकूमत को ये हक मिल गया है कि फ़ौज के लिए फ़ौजी और दीगर सामान सप्लाई करने वाली सनातों और ओवरटाइम करने वाले उनके कारकुनों की मदद करे। नायब वज़ीर आज़म यूरी बोरिसोव ने कहा कि मौजूदा वक्त में ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। दो बिलों में से एक के मुताबिक रियासत फ़ौजी कार्रवाइयों के तहत खसूसी इक्तिसादी इकदाम कर सकती है, जिसमें कंपनियों को फ़ौज को सामान और खिदमात फराहम करने की ज़रूरत होती है। दूसरा बिल हुकूमत को लेबर कवानीन में तरमीम करने का अख्तियार देता है ताकि काम के अवकात को रेगुलराइज करने और कंपनियों में छुट्टी देने का हक शामिल किया जा सके। अमरीका में मुसलसल दूसरे दिन फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 7 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इससे पहले पीर को शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान गोलीबारी में 6 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस ने बताया कि इंडियाना के एक हॉलीडे पार्टी के दौरान फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है, जिसमें 10 लोगों को गोली लगी है। इनमें 3 हलाक हो गए हैं और 7 को अस्पताल दाखिल कराया गया है। इससे पहले एलिनोए के गवर्नर ने हाईलैंड पार्क में 6 लोगों की मौत और 16 के ज़ख्मी होने की इत्तला दी थी। वाज़ह रहे कि 13 जून को भी गैरी के एक नाइट क्लब में फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए थे। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले रुख करते हैं रोज़नामा इंकलाब का, जिसकी अहम सुर्खी है द्रौपदी मुर्मू सदारती इंतखाब में बड़ी जीत दर्ज कराएंगी नीतीश कुमार। एक दिन के बिहार दौरे पर आई मोहतरमा मुर्मू की एनडीए लीडरों से मुलाकात, सभी ने हिमायत का किया ऐलान। इसी अखबार के दूसरे सफ़े की यानी अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है बग़ैर इजाज़त हज की कोशिश करने वाले 300 आज़मीन गिरफ्तार। हर फर्द पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना आयद किया गया। मक्का मुकर्रमा के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसके बाद रुख करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की तरफ, जिसकी सुर्खी है रवां बरस गिलाफ काबा 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। अगली सुर्खी की जानिब बढ़ते हैं, ये भी रोज़नामा इनकलाब से है। आज़ादी परेड के दौरान फायरिंग में 2 अफराद हलाक,
24 افراد زخمی ملزم گرفتار مقامی انتظامیہ نے بتایا کہ شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں تاہم احتیاطی طور پر تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں اس کے بعد رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف روزنامہ ہمارا سماج کی یہ سرخی ہے جس کے اندر فن لینڈ اور سویڈن کے تعلق سے خبر ہے فن لینڈ اور سویڈن کے ناٹو میں شمولیت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے پروٹوکول پر 30 ممالک کے دستخط سہارا کی یہ اہم خبر ہے سہارا سے ہی دوسری اہم خبر ہے سڈنی میں بدترین سیلاب 50,000 سے زائد شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں اس کی اگلی خبر ہے ووٹرز کارڈ کا آدھار ڈیٹا لیک ہوا تو ہوگی کارروائی ووٹر لسٹ کو آدھار سے جوڑنا رضا کارانہ الیکشن کمیشن کا اہم بیان یہ سامنے آیا ہے اگلی خبر بھی روزنامہ راشٹریہ سہارا سے ثانیہ 5 سال بعد گرینڈ سلیم سیمی فائنل میں پہنچی روزنامہ ہمارا سماج سے یہ آخری خبر ہے ممبئی میں بارش سے معمولات زندگی درہم برہم کئی علاقے زیر آب تو ناظرین یہ تھا دلی سے شائع اردو اخبارات کا ایک مختصر جائزہ اور رخ کرتے ہیں اب کھیل کی خبروں کا ویمبلڈن میں آج مکسڈ ڈبل زمرے میں بھارت کی ثانیہ مرزا اپنے جوڑی دار کروشیا کی میٹ پیوچ کے ساتھ سیمی فائنل میں مقابلہ کھیلنے اتریں گی ویسے ثانیہ مکس ڈبل میں کامیابی کی کئی کہانی لکھ چکی ہیں جس میں 2009 میں آسٹریلین اوپن جیتنا 2012 میں فرینچ اوپن کا خطاب جیتنا 2014 میں یو ایس اوپن جیتنا شامل ہے بھارت کو ویمنز ہاکی ورلڈ کپ میں اپنا دوسرا میچ بھی ڈرا کھیلنا پڑا اس طرح ٹیم کے مقابلے میں پہلی جیت کا انتظار ختم نہیں ہوا گروپ بی کے اپنے دوسرے میچ میں ٹیم نے چین کے ساتھ ڈرا کھیلا منگل کو ہالینڈ کے ایمسٹرڈم میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول کیا اس طرح میچ ایک ایک کی برابری پر ختم ہوا اپنے پہلے میچ میں بھارت کو اولمپک کانسے کا تمغہ جیتنے والی انگلینڈ کے خلاف ایک ایک سے ڈرا کھیلنا پڑا وندنا کٹاریا نے چین کے خلاف میچ میں گول کیا وندنا نے بھی انگلینڈ کے خلاف گول کر ٹیم انڈیا کو شکست سے بچایا اب ٹیم انڈیا کو نیوزی لینڈ کے خلاف بڑی جیت حاصل کرنی ہوگی یہ میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا اور ویمبلڈن میں آج اسپین کے رافیل نڈال امریکہ کے ٹریلر فیڈرر کے خلاف کوارٹر فائنل میں میچ کھیلیں گے نڈال کے لیے یہ سیزن بہت اچھا رہا ہے جس میں انہوں نے 4 خطابی مقابلوں سمیت 37 میں سے 34 مقابلے جیتے ہیں دوسری طرف آسٹریلیا کے نک کرگیوز بھی آج کوارٹر فائنل میں چلی کے کرسٹن گیرن سے مقابلہ کریں گے خواتین کے زمرے میں سیمونا حالپ اپنے کوارٹر فائنل میچ میں امریکہ کی اپنی سیموا کے خلاف کھیلیں گی دوسری طرف ایلینا رائے واکینا کا کوارٹر فائنل میں مقابلہ اجلا ٹام جنوویچ سے ہوگا اور سال کے تیسرے گرینڈ سلیم ویمبلڈن میں منگل کو سربیا کے نوواک جوکوویچ نے کوارٹر فائنل میں اٹلی کے جینکسنس کو 5-7 2-6 6-3 6-2 اور 6-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی وہیں ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں برطانیہ کے کیمرون نوری نے بیلجیم کے ڈیوڈ گافن کو 3-6 7-5 2-6 6-3 اور 7-5 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی خواتین کے زمرے میں تونیشیا کی اونس جیور نے چیک جمہوریہ کی میری بوس کو ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی جیور نے مقابلہ 3-6 6-1 اور 6-1 سے جیتا وہیں جرمنی کی رنجانا ماریا بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئیں انہوں نے جولین نیمر کو 4-6 6-2 7-5 سے شکست دی اور اب ایک نظر موسم کے مزاج پر
नाजरीन आज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं लंदन के चिड़ियाघर की तस्वीरों के साथ, जहां शहनशाह फुटबॉल के साथ करतब दिखाती नजर आ रही हैं। हमें दें इजाजत, आदाब। लड़के वालों से कहना कि इतनी संस्कारी है वो, इतनी संस्कारी है, और जवान की तो इतनी मीठी, मानो के